हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कैप्टन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी एमपीटेट की बुक लेकर आए हैं, जिसमें आपको सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। प्राइमरी लेवल के लिए बुक होने वाली है, जिसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाएं आती है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन और गणित। तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहें। इसमें आपको 30 नंबर बाल विकास से, 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज से, 30 नंबर सेकंड लैंग्वेज से, 30 नंबर पर्यावरण अध्ययन से और 30 नंबर गणित का ये आपका सिलेबस होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स 150 होते हैं। उसके लिए हम बुक लेकर आए हैं एमपीटेट के लिए। एमपीटेट के लिए स्पेशल हम कैप्सूल भी लॉन्च करने वाले हैं, जो आपकी प्राइमरी लेवल के रहने वाले हैं, जिसमें आपका बाल विकास, हिंदी भाषा, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और गणित रहने वाली है। उसका हम जल्दी ही कैप्सूल लॉन्च करने वाले हैं और इस बुक का हम रिव्यू कर रहे हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं तो नंबर प्रिंट प्राइस 195 रुपीज है। इस पे अभी आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग तो होते हैं। कुछ ऑनलाइन लिंक्स मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से इससे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, मोजो, ये डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन से और हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 232 पेजेस की यह बुक रहने वाली है। इसके अलावा हमारे पास अन्य बुक्स भी अवेलेबल है, जिसके लिए यूपीटेट सीटेट की सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। इसके अलावा यूपीटेट सीटेट के हमारे पास प्राइमरी और जूनियर लेवल पे प्रश्नकोश अवेलेबल है, सॉल्व पेपर्स हैं, प्रैक्टिस बुक है प्राइमरी और जूनियर लेवल पे, और सब्जेक्ट वाइज आप देख ही रहेंगे। इसके अलावा एमपीटेट के लिए बुलेट लॉन्च हो चुकी है, कैप्सूल हम जल्दी न्यू बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो कई सारे बुक्स अवेलेबल है। अगर इसी बुक की बात करते हैं तो अभी एमपीटेट का जो 2011 का पेपर हुआ था, वो पेपर का सॉल्व पेपर हम लेकर आए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट रहने वाली है, तो टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको पहला जो सॉल्व पेपर है उसको दिखा दूंगा और उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट भी हम आपको रिव्यू करके दिखा दे रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे दिए गए हैं। और यहाँ पर सिलेबस आपको दिया गया है, परीक्षा योजना सिलेबस रहने वाला है, एमपीटेट का क्या रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। 30 क्वेश्चन बाल विकास से, 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज से, 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज से, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 30 क्वेश्चन आपका पर्यावरण अध्ययन से रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। डिटेल सिलेबस यहाँ पे मिल जाए आपको, आपको कि 15 क्वेश्चन आपको बाल विकास से रहने वाला है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका सामाजिक शिक्षा से है, फिर अधिगम से आपका 10 नंबर रहने वाला है। तो डिटेल यहाँ पे सिलेबस मिलने वाला है। इसके बाद हिंदी भाषा में भाषी समाज है 15 नंबर का, 15 नंबर का भाषी विकास है, निर्धारित शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद सेम अंग्रेजी में भी यही चीजें हैं, कम्प्रिहेंशन से 15 नंबर है, अपने कागरिया और लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 नंबर रहने वाला है, तो 30 नंबर उसका रहने वाला है। गणित से आपको विषय वस्तु से 15 नंबर रहने वाला है और पर्यावरण अध्ययन से भी आपका विषय वस्तु से 20 नंबर रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका पेडो गाजिकल मुद्दे से 10 नंबर रहने वाला है, तो 30 नंबर के रहने वाला है, तो टोटल 150 नंबर का होता है। क्या मैं सॉल्व पेपर्स रहने वाला है जो 2011 का है एमपीटेट का, उसका कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे, जिन पियाजे, बिने, हावर्ड, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं था। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे ई.एल. थार्नडाइक थे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया, काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हर क्वेश्चन की, ऐसे ही यहाँ पे तुरंत आंसर और विथ डिटेल आपको मिलने वाला है। जहाँ पे जरूरत पड़ी है सारणी वगैरह दिखाई गई है, टॉप यहाँ पे डाटा आपको कलेक्ट करके काफी बेहतरीन एक्सप्लेन करके दे दिया गया, हर एक चीज का आपका डिटेल के साथ मिलने वाला है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, बाल विकास हो, पर्यावरण मुद्दे हो, गणित हो, सारी में आपको डिटेल के साथ यहाँ पे मिलने वाला है हर एक सोल्यूशन। जहाँ पे जरूरत पड़े डाटा और फिगर्स वगैरह यहाँ पे इंक्लूड करके आपको दिखा दिए गए। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। इसके बाद यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट होती है, तो एक प्लेन कागज ले लीजिएगा, उसमें सारे आंसर लिखते चले जाइएगा और लास्ट में जैसे 30 क्वेश्चन आपका बाल विकास का कम्प्लीट हुआ, फिर हिंदी के 30 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपके कम्प्लीट हो जाते हैं, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप चूज करते हैं। उसके बाद आपका गणित है, गणित के बाद आपका पर्यावरण मुद्दे है, यहाँ 150 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आपको फिर इसके आंसर किस से मैच कराना होगा कि कितने नंबर आप क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितना अटेम्प्ट आप कर पा रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, तो प्रैक्टिस नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा, लास्ट जाइएगा, उसी लेवल में हमने सारे प्रैक्टिस सेट दिए हैं कि फर्स्ट आपका कितना ईजी रहने वाला है और लास्ट वाला कितना हार्ड रहने वाला है, उसके हिसाब से सारे चीज डिटेल के साथ आपको मिलने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे सोल्यूशन भी डिटेल के साथ मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप अटेम्प्ट करिएगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा कितना आपका सुधार हो रहा है, कहाँ पे कमी हो रही है, उसके लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अन्य बुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी लेवल की, जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इसके हमारे पास परीक्षा ज्ञान कोर्स है। इसके अलावा जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश,
भूगोल, संस्कृत, इसके आपके चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर सब अवेलेबल है। यहाँ पे सॉल्ट पेपर एंड प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है। इसके अलावा चैप्टर वाइज सॉल्ट बुक अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, कला, गृह विज्ञान, सारी शिक्षा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को परचेज करिए और अपनी तैयारी और भी आसान बनाइए। तो 232 पेजेस में यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट, एक आपको सॉल्ट पेपर्स और साथ ही साथ डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बुक रिव्यू का सेक्शन कैसा लगता है कमेंट कर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज।